जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो, आपकी लॉन्ड्री की जो वॉशिंग मशीन खराब हुई है उसकी मरम्मत में 3,000 रुपए का खर्चा है। कैसे पैसे? अभी वारंटी बाकी है ना, 3 साल की वारंटी है। जब मशीन वारंटी में है तो पैसे कैसे लगेंगे? अरे मैडम, वो आपको पता नहीं, मशीन के कुछ पार्ट्स वारंटी कवर नहीं करते, इसीलिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। हमें नहीं पता, हम 15 साल से चला रहे हैं अपनी लॉन्ड्री और ये सर्विस हम पहली बार नहीं करवा रहे हैं, पहले भी करवा चुके हैं। हम एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने वाले आपको। आपको हमारी मशीन ठीक करके देनी है, बस आप हमारी मशीन दीजिए। देखिए, हम आते हैं आपकी दुकान पे, वहाँ की बात करते हैं। किसका फोन था माँ? कुछ नहीं बेटा, वो हम मशीन दिए थे ना बनने के लिए, बस वहीं जाकर देख कर आते हैं। जरा माँ, पापा आपसे ऐसे क्यों बात करते हैं? हमें बहुत गुस्सा आता है उन पे जब वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं। तो वो हम मशीन दिए थे ना बनने के लिए, तो जरा सर्विस सेंटर होकर आते हैं। तुम लोग ये सब खत्म करके सीधा घर जाना, हाँ साथ में ही जाना, हम अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। अरे नहीं यार, अभी बात नहीं कर पाया हूँ अम्मा से मोहिनी के बारे में। अरे अम्मा मिल ही नहीं रही है यार, कब से ढूंढ रहा हूँ अम्मा को। मैं घर पे है, मोहल्ले में कहीं और दिख नहीं रही है, लुका छुपी खेल रही है वो। और दूसरी तरफ वो अपराजिता है, लाग जाने पर भी ना वो गायब नहीं हो रही मेरी आंखों से। और वो तेरी बहन ने बुला दी मुझे जान है, लेकिन जान खा गई है मेरी। घर जाना है, घर जाना है, कैसे ले उसको घर यार। मैं ना पागल हो जाऊंगा इन औरतों के बीच में। सुन एक काम कर, मैं तो आ नहीं पाया हूँ, तू आ जाना मुझसे मिलने। हाँ ओके, चल ठीक है, मैं अम्मा को ढूंढता हूँ भाई। भाई इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? ठीक है चल भाई। ब्रो वो लॉन्ड्री वाली और उसकी बेटियाँ यही पूजा पंडाल में। साले तेरी, माँ तो चली गई। बेटा तुम्हें भी तो ऐसे रात चलती लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। लेकिन बेटियां अभी भी वही है, खबर पक्की है। बहन याद है ना तेरे को, उस बीच वाली को उठाने। माँ के बारे में कैसे बोला? माँ के बारे में कैसे बोला? फार्म हाउस में बंद रहेगी तो सारी हीरोपंती निकल जाएगी उस करण खोपड़ी के। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।